हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। इंटर कॉलेज माइग्रेशन के सवाल हर एक साल मेरे को देखने को मिलते हैं, और वो बच्चे जो या तो SOL से किसी रेगुलर कॉलेज में जाना चाहते हैं, या वो बच्चे जो ऑलरेडी किसी रेगुलर कॉलेज में हैं पर अपना कॉलेज छोड़कर किसी दूसरे कॉलेज में माइग्रेट करना चाहते हैं, उनके सवाल ये आते हैं। सबसे पहले तो माइग्रेशन की ऑफिशियल लास्ट डेट को 9 सितंबर तक यूनिवर्सिटी ने एक्सटेंड कर दिया है। आज वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 सितंबर को, अभी अगले 5 दिन और आपके पास हैं। अगर आपका इन 5 दिन से पहले पहले रिजल्ट आ जाता है तो आप माइग्रेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब देखिए, माइग्रेशन के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, वो पहले आपको समझने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो, जिस कॉलेज में आप माइग्रेशन देना चाह रहे हो, क्या उस कॉलेज में एक्चुअल में सीट वैकेंट भी हैं या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? हर एक कॉलेज माइग्रेशन को लेकर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपनी वेबसाइट पर रिलीज़ करता है, जिसमें वो ये बताता है कि इन इन कोर्स में इस कैटेगरी में इतनी सीट्स हमारे कॉलेज में वैकेंट हैं और आप माइग्रेशन ले सकते हो। माइग्रेशन लेने के लिए कॉलेज जो है स्पेसिफिक परसेंटेज भी डिफाइन कर देता है। वैसे तो आइडियली 60% मिनिमम आपकी होनी चाहिए, बट कुछ कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने बेंचमार्क सेट कर देते हैं कि हम 70% से नीचे वाले स्टूडेंट्स को नहीं देंगे माइग्रेशन, 75% से नीचे वाले स्टूडेंट को नहीं देंगे माइग्रेशन। ठीक, यहाँ पर मैं माइग्रेशन की बात कर रहा हूँ SOL टू रेगुलर, रेगुलर टू SOL, या एक पर्टिकुलर रेगुलर कॉलेज से दूसरे रेगुलर कॉलेज में। देखिए, अगर आप रेगुलर से SOL में आना चाह रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि SOL कोई पर्टिकुलर बेंचमार्क सेट करेगा और कोई सीट मैट्रिक्स निकालेगा SOL की इतनी सीट्स हैं, क्योंकि SOL में सीट्स का कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। तो अगर आप रेगुलर के स्टूडेंट हो, आपका सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है और दोनों सेमेस्टर में आप कम्प्लीटली पास हो, देन यू आर एलिजिबल टू माइग्रेट इन SOL अप टू 9th सितंबर। और आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट कॉलेज से यानी कि जो करंट कॉलेज में आप हो, वहाँ से उनके प्रिंसिपल से एक NOC लिखवा लो कि आपके जो पेरेंट कॉलेज हैं वो आपको माइग्रेशन देने को रेडी हैं। फिर आप SOL में आओ और उनसे NOC निकलवा लो कि हाँ, वो आपको माइग्रेशन देने को रेडी हैं। और डॉक्यूमेंटेशन में इसका सिंपल से वही बात होता है कि एक तो NOC आपको पेरेंट कॉलेज से चाहिए होगा और मार्कशीट आपको चाहिए होगी, जनरली यही डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं, और शायद कुछ हैंड रिटन एप्लीकेशन भी आपसे लिखवाई जा सकती है। नाउ, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो SOL से रेगुलर में जा रहे हैं, या फिर जो एक पर्टिकुलर रेगुलर कॉलेज से दूसरे रेगुलर कॉलेज में जाना चाह रहे हैं, तो पहले तो आप जिन कॉलेज में माइग्रेशन लेना चाहते हो उनकी वेबसाइट्स चेक करते रहो कि क्या उनकी वेबसाइट पर कोई नोटिस आया है या नहीं। अभी रिसेंटली दौलतराम कॉलेज हो गया या कुछ और कॉलेजेस हो गए, इनकी वेबसाइट पर नोटिस आए हुए थे, तो आप इनके नोटिस चेक करते रहो और क्या उन पर्टिकुलर कॉलेजेस ने कोई स्पेसिफिक परसेंटेज सेट करी हुई है, वो आप चेक करते रहो। अगर आपको लगता है कि हाँ, इस कॉलेज में जिस कोर्स में मैं इनरोल हूँ उसमें सीट्स खाली हैं, तो आप सबसे पहले क्या करो, अपने SOL कैंपस जाओ, उनसे NOC लेकर आओ कि हाँ, वो रेडी हैं आपको माइग्रेशन देने के लिए। फिर जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पर अपनी मार्कशीट लेकर जाओ, क्या वो लोग माइग्रेशन देने के लिए आपको रेडी हैं। यहाँ पर वीडियो मैं 4 सितंबर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक SOL के सेकेंड सेमेस्टर का जो रिज़ल्ट है वो किसी भी प्रोग्राम का नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि काफ़ी जल्द रिज़ल्ट आ जाएगा, शायद इस वीक में ही आपको देखने को मिल जाए, और होपफुली माइग्रेशन की डेट को शायद एक बार फिर से एक्सटेंड करा जाए अकॉर्डिंगली, और आपको माइग्रेशन पॉसिबिलिटी नज़र आती दिखें। ठीक है, तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपके पास सेकेंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट आपके पास होना चाहिए, उसमें कम से कम फर्स्ट डिवीज़न से ऊपर आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। फिर दूसरा काम यह है कि जिस कॉलेज में आप माइग्रेशन लेना चाह रहे हो उसका सीट मैट्रिक्स चेक करो, उसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन उनकी वेबसाइट्स पर चेक करो, और देखो कि वो कितनी परसेंटेज वालों को माइग्रेशन दे रहे हैं, और क्या आपका जो प्रोग्राम है उसमें सीट्स वैकेंट हैं। अगर वैकेंट हैं तो आपको खुद से फिजिकली वहाँ जाना पड़ेगा और ये सारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ेगा। कुछ कॉलेजेस हो सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवा लें, बट इसके चांसेस कम रहते हैं, जनरली जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो ऑफलाइन ही होता है। अल्टीमेटली आपको NOC इशू करवाने के लिए दोनों कॉलेजेस में जाना ही पड़ेगा फिजिकली, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान में रखें। और अगेन, जो रेगुलर से SOL में आना चाह रहे हैं उनके लिए तो SOL का कोई सीट मैट्रिक्स चेक करना ऐसा तो कोई उनके लिए स्थिति बनेगी नहीं, तो डायरेक्टली SOL से पहले अप्रोच करें, अगर वो रेडी हैं तो दोनों जगह से NOC इशू करवा के मार्कशीट वगैरह लेकर आप लोग माइग्रेशन
ले सकते हो। याद रखिएगा, किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी सब्जेक्ट में आप ईआर ना हो आपकी, तो ही ये जो प्रोविजंस हैं ये यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, और ये सिर्फ सेकंड ईयर में अलाउ करती है, थर्ड ईयर में ये चीज़ें अलाउड नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।